माइग्रेशन के रिगार्डिंग पूछा है इन्होंने कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीए और एमए की हुई है और अब ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से बीएड करना चाहते हैं, क्या माइग्रेशन लेना पड़ेगा? 100% लेना पड़ेगा। आपका रिजल्ट, आप कह रहे हो कि पेंडिंग पड़ा है एमए का, जब तक रिजल्ट आ जाएगा आप माइग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। कैसे माइग्रेशन की प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं, क्या फीस है, इस पर डिफरेंट वीडियो बना देता हूं पूरी जानकारी लेके। और ये याद रखना कि माइग्रेशन टाइम ले लेती है मिनिमम 15 दिन से 1 महीना ये ले लेती है। और अगर नहीं देते तो यूनिवर्सिटी बीएड कॉलेज के जरिए यूनिवर्सिटी फाइन डालती है, 1,000-2,000 ऐसे पड़ जाता है। लेकिन टाइम भी देते हैं आपको, सफिशेंट टाइम मिल जाता है। लेकिन आपने सही पूछा है कि अभी आपको तैयारी कर देनी चाहिए, अगर माइग्रेशन पक्की है जिनकी वो अप्लाई कर देना, शुरू कर देना चाहिए, अब एक आध हफ्ते में बेशक, लेकिन कर देना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि कॉमर्स वाले क्या सीटेट 2 के लिए एलिजिबल होंगे? एक बात समझ लीजिए, कोई भी पर्सन टीईटी दे सकता है। असल बात तो ये है कि आप बिना बीएड के भी दे सकते हो, इसको मानना नहीं है। आप यूजी एमए नहीं की हुई, यूजीसी का पेपर दिया जाता है, एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं, लर्न करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वो नहीं करते, वो कहते हैं कि अगर ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो है जिसने रिक्रूट करना है वो एजेंसी करेगी। अब कॉमर्स वाले कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, पेपर 2 फिल कर सकते हैं। हाँ, ये बात डिफरेंट है कि आपको अपने टीजीटी के सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी जो बनानी है उसके लिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब तो लेनी है ना, वो आप जो एडिशनल पेपर देके, जैसे लैंग्वेज का देके और उसका पेडागोजी ऑफ उसी लैंग्वेज का करके आप एलिजिबल हो जाओगे, फिर आप जॉब के लिए भी फाइट कर सकते हो। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अभी तक किया तो नहीं है, लेकिन कहा है कि प्लस टू वाले, जैसे कॉमर्स का आपका है, आपका भी टीईटी होगा, अभी तक हुआ कुछ नहीं है। गुड क्वेश्चन, एडमिशन के लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट जरूरी है या 5 साल पुराना चल सकता है? जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लाइफ एक बार ही बनता है, लेकिन जो डिजिटल है वो कास्ट वाला मैं बोल रहा हूँ, है ना, वो लाइफ के लिए होता है, एक बार बनना होता है। और जो अभी डिजिटल हो रहे हैं उसकी ज़रूरत हो सकती है कि जहाँ भी आपका जो चाहिए वहाँ डिजिटल जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है उसकी नॉर्मल लिमिट 5 ईयर ही होती है, 5 साल के बाद अगर आपका सर्टिफिकेट 5 साल से पुराना है तो वो वैलिड नहीं है। इट मींस 5 साल से पहले वाला, 3 साल, 2 साल, 4 साल, 4.5 साल, ये वाले वैलिड हैं, 5 साल के बाद वाला वैलिड नहीं है। क्वेश्चन है, मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव पंजाबी, बिल्कुल बिल्कुल इजी है आपका, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस है, और ये रहा सोशल साइंस, आपका एसएसटी बन रहा है, टीजीटी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। इलेक्टिव पंजाबी का जो है वो आप एलिजिबल टीजीटी और पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, अगर आप एमए कर लोगे तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है एसएसटी पंजाबी। आपने कहा भी मैं पंजाबी सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहती हूँ, इसको नहीं आपने छोड़ना, बड़ा अच्छा किया आपने ये बताया कि मैं इसके टीचर बनना चाहता हूँ। बीएससी मेडिकल है और आप एमएससी बॉटनी की हुई है, इट मींस आपके पास, लेकिन आपके बड़े अच्छे सब्जेक्ट बनते हैं, तो आप मेरे मेजर और माइनर सब्जेक्ट कौन से होंगे? तो बीएससी मेडिकल है, साइंस भी आपका है और बॉटनी आपकी जुड़ रही है लाइफ साइंस से, मेरे ख्याल में ये आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर मिल जाता है, क्योंकि साइंस वालों को कन्फ्यूजन बड़ी चल रही है। अगर कॉलेज दे रहे हैं आराम से साइंस और लाइफ साइंस आप ले लीजिए। दूसरा आपका हो सकता है मैथ्स, नॉन मेडिकल है कि मेडिकल है? बीएससी मेडिकल है आपकी, इट मींस आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, अगर मैथ पढ़ा होता तो आपका मैथ्स लाइफ साइंस भी बन सकता था। इससे अलावा आपका साइंस और लैंग्वेज बन सकता है, बट आपने ये मत चूज़ कीजिए, लाइफ साइंस ये है, एग्जैक्ट बॉटनी पड़ी हुई है, आप इसी को प्रेफर कीजिए। एक क्वेश्चन है सर, जिवें बीसीए विच 1 साल बेसिक पंजाबी, मुढ़ली पंजाबी और 1 साल कम्युनिकेशन, 6 मंथ मैथ, है ना, सो क्लियर, बिल्कुल क्लियर है कि जो 1 साल पढ़िया है तो नेचुरली जिथे 1 साल आ गया, एक शब्द आ गया, जिथे इलेक्टिव ना आया, मुढ़ली आ गई है ना, उत्थे एडिशनल देना ही पैना है। तुसी इलेक्टिव जिहड़ा भी तुहाडा देना है, इंग्लिश है, पंजाबी जे रखनी है ना, उसका तुहानू देना ही पैना है।
जे उस एलिजिबल होना चाहते हैं। सर मेरे बी ए विच जनरल इंग्लिश पंजाबी इलेक्टिव पोलीटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं एम ए पोलीटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एम ए एजुकेशन की है, बी एड कॉम्बीनेशन दस्यो प्लीज़। तुहाडा बहुत अच्छा है, पोलीटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल सबजैक्ट यह है, एस एस टी बन रहा है और इलैक्टिव इंग्लिश है ना, हाँ इंग्लिश नहीं छड़नी, इलैक्टिव इंग्लिश है, एस एस टी इंग्लिश बेस्ट कॉम्बीनेशन है, नहीं छड़ना है हर हालत, दोनों ले टी जी टी गवर्नमेंट जॉब ले तुसीं एलिजिबल हो। सर सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान के रिगार्डिंग, हाँ मैं पा दिना इस दे बाद नाल ही आ जाता है, बी एड के फैसले आया है पंजाब च लगू होगा, बड़ा वो स्पष्ट है, इदा दी गल नहीं है। सर मैं एम ए इकनोमिक्स पंजाबी इलैक्टिव कंप्यूटर किया हुआ कंबीनेशन बनता है सर, प्लीज़ दस दो, तुसीं मैनूं दस्या है सर मैं है कि एम ए है, मैं हूँ इसनों मैं ले लिया है सर, मैं इकनोमिक्स पंजाबी इलैक्टिव तुहाडा माइनर बन गया, माइनर जो कॉलेज ने देना है इसकी चिंता नहीं कर रही, और 100% पंजाबी लेना है, सो तुहाडा मेजर बनता है जां तां इकनोमिक्स, तुसीं जी एन डी यू दे हो तां तुहानूं इकनोमिक्स पंजाबी ही मिलेगा, दूसरा तुहाडा कंप्यूटर ते पंजाबी बनेगा, ये जी एन डी यू च हन, पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला विच है जां पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ विच है, इन्हां विच तुहानूं इकनोमिक्स दी जगह दे नाल एस एस टी मिल जाएगा, लेकिन बाद विच इकनोमिक्स दे नाल तुहानूं बी एड दे नाल जां इस तों बाद हिस्टरी दा अडिशनल एग्जाम बी ए का 3 साल का 2 सेमेस्टर च हो जाता है, वह देना पड़ेगा। क्वेश्चन है सर मेरे तो रूरल एरिया गलती ना फिल हो गया है, हुण किवें ठीक होगा, एक वीडियो बनाई सी सर जी ए वाली एरर एंड करैक्शन है ना, ये सारे लिए सी, इच है बाहर ही एड्रैस दिता हुआ है पी बी बी एड एडमिशंस 2023@gndu.ac.in ते तुसी मेल कर देनी है, मेरे को गलती ना रूरल क्लिक हो गया है, मैं अरबन का हाँ काइंडली उन्होंने ठीक करैक्ट कर दिता जाए, वो करैक्ट कर देंगे अच्छे ने।